अभी रिसेंटली डेली क्रिकेट प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, तीनों जगहों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कई सारे क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर हमें आए थे और कुछ कुछ चीज़ें रही थी कि प्रीमियर कप से रिलेटेड हो या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्ले ऑफ से रिलेटेड हो, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से रिलेटेड हो जो जून में होने हैं, और साथ साथ में अभी जो मैचेस चल रहे हैं नीदरलैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका के से रिलेटेड हो, या फिर कोई और एशियाड से रिलेटेड जो अपकमिंग एक्शन ओडीआई सुपर लीग से रिलेटेड हो, तो ये सारे वगैरह कुछ ना कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पूछे गए, तो कुछ के हमने वहीं पर जवाब दिए और कुछ के कुछ मिस आउट हो गए, कुछ को हम सोचा कि अभी प्लेऑफ की वजह से कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल इस वजह से हम दे नहीं पाए, तो हम सोचा चलिए एक वीडियो बनाते हैं और इन सब में सारे जो भी क्वेश्चंस हमने देखे अपने आसपास है जो पूछे गए हमसे, उसको यहाँ पर इंक्लूड कर आंसर्स देने की हम कोशिश करते हैं, एक डिस्कशन टाइप का एक वीडियो बना दिया जाए तो सारी चीज़ें उसमें क्लियर आउट हो जाएंगी, जिसमें अप्रैल भर में जो भी एक्शन होने हैं, जो भी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं स्टेट में, उससे रिलेटेड डिस्कशन कर लिया जाए। अभी सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले चलिए एक डिस्कस तौर पर शुरुआत कर लेते हैं, जो क्वालिफायर प्लेऑफ अभी चल रहा है, तो क्वालिफायर प्लेऑफ में चीज़ें जो है अभी भी बहुत ज़्यादा अटकी हुई है। बिल्कुल जी, अभी अगर आज की डेट की बात करें तो सिर्फ कनाडा ही अब तक एक ऐसी टीम है निकल कर आई है जो अभी तक एक भी मैच नहीं हार रही है, दो के दो अपने मैचेस जीती है। वही बात करें नामीबिया की, तो तीन में से दो मैच वो जीत चुके हैं, एक हारे हैं, चार पॉइंट है, लेकिन जो दो मैच उन्होंने लास्ट खेले हैं बड़ी स्ट्रांग, अचानक से नामीबिया पहले मैच के बाद इन दो मैचों में काफी स्ट्रांग और अलग नामीबिया नजर आई है। जरूर, और ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि आपको टॉप गेम दिखाना भी जरूरी है, आप बेटर है, आपको ये साबित करना है, होस्टिंग टीम है और ऊपर से आपने ओडीआई स्टेटस भी अपना बचा लिया था, और ये है कि जरूर आपके लास्ट के गेम्स में जो आपकी एक एक, एक कहना होगा जो खेलने का जो स्तर है एक जी, वो काफी ज्यादा नीचे गिर गया था, जो उनका प्लेइंग कहना होगा जो एक तरीका था खेलने का बहुत ही गिरा है आखिर के 6-7-8 मैचों में, लेकिन अब हमें थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल रहा है, और ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए जब आपको ना चाहते हुए भी ऐसे टूर्नामेंटों में खेलना पड़े जो आपके हाथ में था लेकिन आपने अपने हाथों से गवा दिया, फिर आप यहाँ आ गए, तो फिर आपको अपना परफॉर्मेंस भी उस तरीके का लाना होगा कि यार हम खेलना नहीं चाहते थे, पता नहीं हम यहाँ क्यों आ गए, तो क्यों आ गए, तो परफॉर्मेंस ऐसा ही होना चाहिए, टॉप वन पे या टू पे अगर आप फिनिश करेंगे तो काफी बेटर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नामीबिया ही इन कैलेंडर से को हटा दीजिए तो, क्योंकि वो तो चैलेंज लीग से आई है, उनके लिए तो एक प्राउड मोमेंट है, जी हां, उनके लिए प्राउड मोमेंट है कि वो ऊपर आकर खेले हैं, क्योंकि बाकी और मेरे ख्याल से 10 टीमों को पछाड़ कर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन नामीबिया के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, नामीबिया के हाथों में था पूरा गेम, लास्ट के 6 में वो सिर्फ एक मैच जीत पाए वर्ल्ड कप लीग 2 में, 5 मैच वो हार गए, एक भी मैच और जीता होता तो आज वो टॉप 3 में होते और उन्हें प्लेऑफ खेलना नहीं पड़ता, इसलिए नामीबिया के लिए यह एक्सक्यूज नहीं है, डेफिनेट उन्होंने अपने ही पैर पे गुलाड़ी मारी है खराब गेम दिखाकर, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा गेम को दिखा जरूर है। वहीं यूएसए की बात करें, तीन में से दो मैच जीते हैं, काफी बेहतर अच्छा है, उन्होंने नामीबिया को हराया और उसके बाद यूएई के खिलाफ चेस करते हुए जीते, एक मैच डिफेंड करते हुए जीता, एक मैच चेस करते हुए जीता, एक्सपीरियंस के लिहाज से काफी बेहतर है, हालांकि कनाडा के खिलाफ चेस नहीं कर पाए, वो राइवलरी वाली बात जो है वो अभी भी चल रही है भाई और लंबी जाएगी लगता है। उसके बाद यूएई की बात करें, डावाडोल मामला है, दो मैच खेले, एक जीता एक हारा, और एक जो मैच जीते थे वो भी पीएनजी की मुट्ठी में मैच था, लेकिन पीएनजी का जो कहते हैं कि 80s के जमाने का जो क्रिकेट है वो ने लेट उठता है, और शायद यूएई यहां पर 2-0 अभी भी हो रहा होता, 2-2 हार चुका होता, भाई पीएनजी जर्सी के बीच में आज मैच है, पीएनजी वर्सेस जर्सी आज मैच है, और आज कहीं ना कहीं पहली जीत किसी ना किसी टीम को मिलेगी, और जो टीम हारेगी उनका जो मेरे ख्याल से ओडीआई स्टेटस बचाने का या फिर गेन करने का जो सपना है लगभग लगता है 70-80% टूट जाएगा। नहीं जरूर, और जो भी हारना तय है किसी एक का, और बहुत ज्यादा यहाँ पर कहना होगा कि पीएनजी अगर हारता है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा कि ओडीआई स्टेटस जो है वो उनके हाथों से चलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, और जर्सी अगर आज जीतता है तो एक उम्मीद जगेगी कि चलिए हम इस रेस में अभी भी हैं कि आगे आने वाले 4 सालों के लिए बहुत कुछ पा सकते हैं हम, तो आज का मैच दोनों के लिहाज से एकदम साउथ और नॉर्थ पोल वाला हिसाब है, अगर आप देखेंगे एक को अपना वजूद बचाना है और दूसरे को अपना वजूद बनाना है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा है कि हाँ दोनों के लिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, अलग अलग हिस्ट्री। बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज यहाँ पर और हो जाती है कि जर्सी अगर आज पीएनजी को हरा पाती है, डेफिनेटली एक क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू की टीम जो पुरानी ओडीआई स्टेटस की टीम है उनको ही उनके खिलाफ एक जीत मिलेगी, तो एक बड़ी बात जरूर होगी और वो रेस में भी बने रहेंगे। खैर, ये तो बात हो गई क्वालिफायर प्लेऑफ से रिलेटेड, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिचुएशन पोजिशन की तरफ, और वो बात कर लेते हैं नीदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच अभी हुआ कल रात को, रिसेंटली डेफिनेटली बहुत रात
में खत्म हुआ तो एनालाइज करना इतना बहुत मुश्किल था, तो स्कोर कार्ड हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया था। लेकिन यार एक बहुत ही एक तरफा जीत यहाँ पर हुई है 8 विकेट से, और वही सेम कहानी पूरी ओडीआई सुपर लीग नीदरलैंड्स की, ओपनर्स ही मेजोरिटी ऑफ रन करते हुए नजर आते हैं, उसके बाद जैसे ही एक विकेट गिरता है दोनों ओपनर्स आउट होते हैं, उसके बाद जो पूरा का पूरा नीदरलैंड्स है वो रेयर ओकेशन में हमें परफॉर्म करते हुए नजर आया, और उसी वजह से ओडीआई सुपर लीग में ये हाल है। नहीं जरूर, और काफी हद तक तो रन उन्होंने ही किए हैं नहीं है, और कई बार हम ये बात कर चुके हैं, कई एनालिसिस हमने किए भी हैं नीदरलैंड्स की, उस पर ये बात हमने क्लियर बोली है, जिन्होंने सुना है वो जानते हैं बार बार एक चीज को रिपीट कर कोई फायदा नहीं, नीदरलैंड इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाया, अगर यहाँ पर कुछ मैचेस को हरा देता बड़ी बड़ी टीमों को तो बहुत फायदा होता, इससे खाली नीदरलैंड को बोलकर नहीं पूरी एसोसिएशन को फायदा होता, बहुत फायदा होता अगर वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैचेस यहाँ पर अपनी तरफ से, ये नहीं कह रहा हूँ कि 15-16 मैचेस शायद खेले या 20 मैचेस खेले तो उसमें से 10 जीत जाए 12 जीत जाए ऐसे नहीं, लेकिन सबके खिलाफ अगर जीतता, सबको कभी टक्कर देने के बाद जीतता भी अगर मैच, टक्कर खाली देने से हार नहीं जाता सिर्फ 3-0 से, जीतता भी टक्कर देने के बाद 2-1 2-1 2-1 ऐसे करके बहुत, तो फिर कुछ मजा भी आता है, लेकिन कुछ मजा तो देखने में मिला नहीं, उल्टा लो स्कोरिंग वाले मैचों में भी हार गया, ऊपर से जो इंग्लैंड ने हार किया था वो तो खैर भूले नहीं भूला जाता है, बिल्कुल नहीं भूला जाता बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंट किया नीदरलैंड ने, बड़ा बड़ा मौका जरूर मिला था गवा दिया, वही दिक्कत की बात यह है ना कि बहुत सारे मैं ऐसे लोग देखता हूँ जो कहते हैं कि नीदरलैंड्स को मौका मिला, जब वो एक मैच अचानक से जीतते हैं तो बड़े सब खुश हो जाते हैं, और जब वो हारते हैं तब वो पूरी तरह से गायब रहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, डेलिगेट को यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब कोई टीम अच्छा करती है तो आप जमकर उनकी तारीफ करते हैं, करते हैं, करते हैं, सारी चीजें लेकर जाते हैं आईसीसी को, दे दरादन गालियां, ये वो दुनिया भर की चीजें, ये स्क्रैप कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, आप मौके नहीं देते, दुनिया भर की चीजें कहते हैं, लेकिन जब वही टीम लगातार मैच पे मैच हार रही है, मैच पे मैच हार रही है, क्योंकि आज की डेट में नीदरलैंड्स ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसी भी टीम को मिली नहीं एसोसिएट में, जबकि ओडीआई सुपर लीग एक ही बार हुआ और उनको खेलने का मौका मिला, लेकिन वहां पर परफॉर्मेंस आप देखिए, दो मैच सिर्फ आयरलैंड को हराए थे, एक मैच जिम्बाब्वे को हराया, बस गाम खत्म, वो भी आयरलैंड और जिम्बाब्वे को यहां पर हराया, उसके अलावा जितने भी मैचेस हुए सब में हार मिली, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यहां पर हार ही मिली है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब कोई अच्छे खराब परफॉर्मेंस करता है तब आप तब भी आप बहाना आईसीसी को मारते हैं, इसको मारते हैं, उसको मारते हैं, उसको मारते हैं, एक्सेप्ट करना सीखिए कि खराब परफॉर्मेंस भी हमारी वजह से हुई है, हमने खराब खेला है, तो ये सबसे बड़ी एक कमजोरी एचसीएल के कई सारे सेक्शन से मैं देखता हूँ लगातार देखता है, ये इससे कोई फायदा हो तो फिर आप में और फिल्म में कोई खास जो है फर्क नहीं आया, वो भी अपनी चीज़ों को ढकने की कोशिश करते हैं और आप भी अपने किसी और को ब्लेम करके ढक रहे हैं, जब खराब परफॉर्मेंस हो तब भी कहिए नीदरलैंड्स ने बहुत खराब खेला, नीदरलैंड्स बहुत खराब खेला है, अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, और ये सिर्फ और जब जीतता है तब आप रोने लग जाते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, अरे मिला तो सही अपॉर्चुनिटी, आपने किया क्या, सिर्फ 3 मैच जीते वो भी आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ जो खुद स्ट्रगल करते हैं आज की डेट में क्रिकेट की अगर हम बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हां सेम फैक्ट है, लेकिन फैक्ट यही है कि जब आप खुद भी हारते हैं, खुद भी गलतियां करते हैं, एक्सेप्ट करना सीखिए, बात बात पे दूसरों को ब्लेम कर कर कि ये मौके नहीं देते तो हम हार गए, ये मौके नहीं देते तो हम हार गए, इससे फायदा कुछ नहीं होने वाला है, आप रोते ही रहेंगे फिर पूरी जिंदगी भर, 2050 तक भी अश्विन ऐसे ही रोता रहेगा अगर आप तब तक ब्लेम करना बंद नहीं करेंगे। खैर उसके बाद यहां बात करें अगले सेक्शन की, तो यहां आ जाती है प्रीमियर कप, प्रीमियर कप से रिलेटेड आयान कुछ डिटेल्स वगैरह हैं, पहले वो बता दीजिए, उसके बाद चलते हैं फिर नेपाल की प्रीमियर स्क्वाड भी अभी हालिया में रिलीज हुई थी, उसके बारे में कुछ बात करें। नहीं जरूर, देखिए ब्रॉडकास्ट के लिए एसीसी ने अभी हाल ही में अपना ऐलान किया कि कांतिपुर टीवी में, जी हाँ, ये इसको नेपाल रीजन में इसको दिखाया जाएगा, टेलीकास्ट होगा ये, और लेकिन उसके अदरवाइज कुछ अभी आया नहीं है, कोई रिलीज नहीं हुआ है कि वर्ल्ड वाइड कहाँ देखा जा सकता है या इंडिया में हम कहाँ देख सकते हैं वगैरह, सारे रीजन्स पे अभी फिलहाल के लिए नहीं कुछ पता चला है, लेकिन जो कि हमें मालूम है कि स्टार के पास इसके राइट्स हैं पूरे आईसीसी के और एसीसी के पूरे, तो उम्मीद है कि, और फैन कोड इसका स्ट्रीमिंग रहा है, तो उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वक्त में हमें जल्द से जल्द ये पता चलेगा कि ग्लोबली हम कहाँ देख सकते हैं वगैरह वगैरह, और टाइमिंग्स तो खैर हमें मालूम ही है कि सुबह शुरू होता है ये मैचेस, लेकिन वहीं पर कुछ टीमें हैं जिनके बारे में यहाँ थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, यूएई, ओमान और हांगकांग, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही कहा, देखिए यूएई के लिए एक बड़ी सरदर्द वाली बात यहाँ पर ये हो गई है कि यूएई जो है प्रीमियर
प्रीमियर कप तो खेलने वाला है, लेकिन प्रीमियर कप से पहले उनके लिए एक बड़ी माथापच्ची वाली बात हो गई है। वो क्या आपको बताते हैं, क्वालिफायर प्लेऑफ इस वक्त वो खेल रहे हैं और ओडीआई स्टेटस के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको एक चीज सबसे पहले क्लियर कर दे, क्वालिफायर प्लेऑफ में अगर यही अपना ओडीआई स्टेटस गवा देता है, जैसे कि अगर वो हार जाता है ओडीआई स्टेटस, अगर ऐसा होता है कि अगर ओडीआई स्टेटस वो अपना नहीं बचा पाते, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, नहीं बचा पाते, तो आपको बता दें ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा था कि वो सोच रहे थे कि शायद जुलाई से लागू होगा या वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही प्लेऑफ खत्म हुआ 5 तारीख को, 6 तारीख से आप यूएई को उस टीमों में गिनेंगे जिनके पास ओडीआई स्टेटस नहीं है, अगर वो नहीं बचा पाए तो ये 6 तारीख से ही लागू हो जाएगा, बल्कि 5 तारीख मैच खत्म होने से ही लागू हो जाएगा। ये आपको हम क्लियर कर देते हैं, अगर किसी डाउट है तो ये हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो ये एक एम्बैरेसमेंट टाइप की बात हो जाएगी अगर यूएई ओडीआई स्टेटस नहीं बचा पाता, तो प्रीमियर कप में वो एक नॉन ओडीआई स्टेटस टीम के तौर पर उतरेगा, यानी अपने आप में बहुत बड़ी एक एम्बैरेसमेंट होगी। तो यूएई के लिए डेफिनेटली किसी भी सूरत में यहाँ बचा नहीं होगा अपने ओडीआई स्टेटस, जरूर। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ करें, क्योंकि न्यूजीलैंड का दौरा आने वाला है, न्यूजीलैंड टीम दौरा कर रही है 17 अगस्त से। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत एम्बैरेसमेंट है वो अपने आप में, और एशिया कप में एकदम से अभी ओडीआई था नहीं है, हम बाकी टीमों के साथ हो गए हैं, सऊदी अरब बहरीन वगैरह के साथ, सिर्फ T20 बच गया है, क्या एम्बैरेसमेंट है अपने आप में। इसको बचाने की कोशिश तो खैर यूएई कर ही रहा है जितना कर सकता है, पर देखना होगा कि आगे क्या होता है। बिल्कुल, तो चलिए अभी तो खैर उनके 3 मैचेस हैं, काफी मैचेस बचे हुए हैं, तो पूरी तरह से वो रेस में बने हुए हैं। खैर अब यहाँ बात करते हैं ओमान टीम की, ओमान के लिए अगर बात करें यहाँ पर, तो ओमान यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला है, काफी लंबे वक्त से वो भी मैच नहीं है, कनाडा के खिलाफ मैच खेले थे 3 वनडे मैच, उसके बाद से नहीं खेले, और आपको बता दें यहाँ पर आकिब इलियास जो है वो एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, ओमान में अब आकिब इलियास की एंट्री हो रही है, और वो भी कहीं ना कहीं नेपाल यहाँ पर जाने वाले हैं, उन्होंने खुद ही ये चीज कही थी कि उनका जो अगला डेस्टिनेशन है वो एससीसी प्रीमियर कप है, उन्होंने खुद ही अपने सोशल मीडिया में ये कहा था, तो उससे क्लियर हो गया कि आकिब इलियास भी ओमान के लिए आने वाले हैं। ओमान कुछ मैचेस वगैरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रीमियर कप से पहले, कुछ तो खेलना चाहिए उन्हें, क्योंकि इस वक्त उनका T20 टूर्नामेंट चल रहा है, क्या उसी से वो काम चलाएंगे या फिर कोई लग रहा है आपको खेल सकते हैं? नहीं जरूर, देखिए ओमान को काफी अगर कहें तो 50 ओवर की तो जरूरत है, क्योंकि ओमान ने लास्ट 50 ओवर का गेम जो है वो डायरेक्ट वहीं खेला था, हाँ, उसके बाद डोमेस्टिकली उनके प्लेयर्स खेले हैं, जी हाँ, डिविजन क्रिकेट काफी खेले हैं, तो शायद अगर उनके दिमाग में यही हो कि अभी तो हम खेले हैं काफी 50 ओवर डिविजन, तो अच्छी बात है कि आप 50 ओवर डिविजन, क्योंकि ओमान में डोमेस्टिक काफी ज्यादा चलते हैं, 11 महीने चलता रहता है, बिल्कुल सही कहा, तो हम ये ब्लेम नहीं दे सकते एक्चुअली में कि ओमान को कि आप नहीं खेल रहे, आप गेम नहीं खेल रहे, वो बहुत बेहतर क्रिकेट खेलते हैं डोमेस्टिक में। अगर आप डोमेस्टिक में 50 ओवर का लगातार खेले जा रहे हैं लगातार, तो आपसे शिकायत इतनी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, आईसीसी इवेंट के बड़े बड़े इवेंट अगर दाव पे है, जैसे आपके ओडीआई स्टेटस दाव पे है, T20 रीजनल क्वालिफायर अपना रीजनल फाइनल दाव पे है, तो उससे पहले एक बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज होनी चाहिए, लेकिन एशिया कप जहां पर अभी आपका ओडीआई वगैरह अभी दाव पे नहीं है, तो ये प्रैक्टिस, ये जो डिविजन क्रिकेट है, ये आपको काम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कुछ अलाव खेलते हैं या फिर नहीं, वरना इसी प्रिपरेशन तक वो जाते हैं, देखना होगा कि किस तरह से परफॉर्मेंस देती है। आप अभी बता दें कि अभी फिलहाल T20 टूर्नामेंट जहाँ पर वो सारे टूर्नामेंट चल रहा है, जहाँ पर वो सारे प्लेयर्स अभी लगातार खेल रहे हैं, वो फॉर्मेट भले T20 है। हांगकांग की बात की जाए यहाँ पर, हांगकांग ने अभी ट्रायंगुलर सीरीज खेली 50 ओवर की, उससे पहले T20 की सीरीज खेली जो ट्रायंगुलर थी, उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए, 50 ओवर का ट्रायंगुलर यहाँ पर सीरीज खेला और वहाँ पर वो जीते भी यहाँ पर, तो अभी रिसेंटली काफी उन्होंने मैचेस जरूर खेले हैं, और मेरे ख्याल से इसी प्रिपरेशन के साथ हांगकांग जो है उतरने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि प्लेयरों की वापसी भी हुई है, अंशुमन रद्दी वापस आए, तो उनके लिए भी वो काफी इंपॉर्टेंट था, वो तो बेहतर है, तैयारी काफी अच्छी हुई है, और उम्मीद है यहाँ आएंगे उसके बाद थोड़ा प्रिपरेशन टाइप का चलेगा, नेट वगैरह होंगे तो उस पर हाथ वाथ खुलेंगे, अपनी बल्लेबाजी भी अच्छी होगी, उसके बाद वो तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेपाल टीम की, जी हाँ, जो प्रीमियर कप के होस्ट है नेपाल की, तो अभी रिसेंटली उन्होंने प्रीमियर लीग स्क्वाड जो है वो अनाउंस की थी, तो प्रीमियर लीग स्क्वाड की यहाँ पर प्रीमियर लीग स्क्वाड था, इसलिए हमने आपके सामने डाला नहीं, क्योंकि जो मेन स्क्वाड आएगी फिर बात करेंगे, और प्ले ऑफ अभी चल रहा है, तो 5 तारीख के बाद जो है 6 तारीख को प्ले ऑफ से रिलेटेड सारी लास्ट वीडियोज आएंगी, और उसके बाद 7 तारीख से कंप्लीट कवरेज प्रीमियर कप की आप डेलीग्रेट में लगातार देख पाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने लेकर आएंगे हम, जैसे जैसे डेलीग्रेट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके लिए कुछ नया नया करने की कोशिश लगातार करता है। आपने देखा होगा प्लेयर ऑफ द मंथ का जिस तरह से हमने चीजें आपके सामने रखी, अचीवमेंट माइलस्टोन तरह से हम आपके सामने रख रहे हैं, और रिसेंटली एनालिसिस में आपके सामने वैगन व्हील भी रखना हमने शुरू किया, आगे जाकर हमने बहुत सारी चीजें और सोची हैं, तो डेलीग्रेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एशियन क्रिकेट को इतनी डेडिकेटेड तरीके से कोई भी आपके सामने प्रेजेंट शायद ही करेगा। खैर प्रीमियर स्क्वाड क्या कुछ कहती है नेपाल की,
नहीं जरूर, देखिए यहाँ पर काफी जो स्क्वाड है उसे लाया गया है, कुछ प्लेयर को वापस लाया गया है। अगर नाम लें हम, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल, कुशल मल्ला, आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिचाने, भीम शारकी, प्रतीश जीसी, उसके बाद बात करें ललित राजवंशी, संदीप जोरा भी आए हैं जी हाँ यहाँ पर। और उसके बाद मौसम ढकल, उनको भी यहाँ पर रखा गया है, प्रिलिमिनरी स्क्वाड में रखा गया है। उसके बाद कमल सिंह ऐरी भी यहाँ पर आए हैं जी हाँ, और अर्जुन साउद, इनकी भी यहाँ पर इस स्क्वाड में, इनको भी रखा गया है, मेन स्क्वाड नहीं है, वापस से आपको कह देंगे। उसके बाद सूर्य तमांग, किशोर महतो और देव खनाल जी हाँ, इन सबको भी यहाँ पर डाला गया है। तो यहाँ उम्मीद है कि कैंप के बाद आखिर एक क्रिटेरिया क्या रखेंगे मेन स्क्वाड चुनने का, वो थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि कुछ प्लेयर जो है वो काफ़ी वक्त से खेले नहीं है, शायद एनपीएल लास्ट था जब वहाँ पर दिखे थे हमें। देव खनाल हाँ अंडर 19 का जरूर खेले हैं, वो खेल के आए हैं बिल्कुल, लेकिन उससे लेने से पहले अगर क्रिटेरिया हम देखेंगे कि आखिर होगा क्या, थोड़ी नजर उस पर जरूर रहेगी। या अगर एकदम से कोई प्लेयर को लिया जा रहा है, जैसे देव खन्ना है तो कोई उसमें डाउट नहीं है, वो अंडर 19 का खेल के आए हैं और उस बहुत बेहतर किया है, लेकिन उसके अलावा कुछ प्लेयर जरूर है जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे और डिटेल में पूरी बात होगी। जी सर, पहले कहा क्योंकि 7 तारीख से सारे प्रीमियर कंपटीशन शुरू हुई, अभी जो है वो क्लियरली क्वालिफायर प्ले ऑफ बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी पर नजर लगातार बनी हुई रहेगी। तो ये प्रीमियर स्क्वाड आपको बता दें, इसमें सही कहीं ना कहीं चुनी जाएगी स्क्वाड है। एक चीज और है, मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा था कि अब मैंने आज कुछ टाइम से देख रहा हूँ मौसम ढकल के नाम पे श्याम ढकल लिखा हुआ आ रहा है और फिर ब्रैकेट में मौसम ढकल लिखा हुआ आ रहा है, तो आप में से मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई इसका बता पाए कि आखिर क्या रीजन है कि मौसम ढकल पहले आ रहा था, अब श्याम ढकल है, कुछ नेम में एरर वगैरह हुआ होगा, तो ये आप लोग बेहतर बता पाएंगे, जरूर इसका आंसर जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन इस चीज की मिल जाए। तो अगली बार से अब जो नाम सही रहेगा वही आप लोग कोशिश करेंगे। तो ये प्रीमियर लीग स्क्वाड हो गई। और जहां तक है मोंटी पिसा सर की बात है, तो वो शायद 31 तारीख को या 1 तारीख को आने वाले थे नेपाल में, उसके बाद कैंप वगैरह रखने वाला था, तो उम्मीद करेंगे कि सर यहां पर आ चुके होंगे या फिर आने वाले होंगे और कैंप जो है स्टार्ट होगा, और जैसे स्टार्ट होता है तो उसका देखेंगे किस तरह की तैयारियां टीम की चल रही है, लेकिन फिलहाल जो है नजर वापस से कहेंगे क्वालिफायर प्ले ऑफ में। अब चलते हैं अलग सेक्शन की तरफ और अब यहां बात करते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर से रिलेटेड। अब यहाँ उसके बाद दो चार क्वेश्चन भी लेंगे जो हमने कमेंट्स वगैरह में देखे थे, उसके आंसर भी देने की कोशिश करेंगे। एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कंफर्म टीम्स की सबसे पहले यहाँ बात कर ली जाए, तो अभी तक की जो कंफर्म टीम्स हैं आपको बता दें वो है नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, ये हो गई ये तीन। उसके बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू की जो टॉप 3 टीम्स थी यानी स्कॉटलैंड, ओमान और नेपाल, ये 6 टीम्स कंफर्म्ड अभी तक हो चुकी है। 2 क्वालिफायर प्लेऑफ की टॉप 2 टीम्स पहुंचेंगी, हो जाएंगी 8, 2 और पहुंचनी है, वो देखना है कि किसमें पहुंचेंगी, और वो साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, इन टीमों में से कहीं ना कहीं हो सकती है, बस देखना ही कौन सी टीम होंगी। साउथ अफ्रीका ने कल मैच जीता, अभी उड़े से बने हुए, उनके नीदरलैंड के खिलाफ एक और अपना मैच जीतना है और उन्हें बस ये दुआ करनी होगी कि आयरलैंड वर्सेस बांग्लादेश की जो मई में ओडीआई सीरीज होनी है आयरलैंड में 3 मैच की, वहां पर आयरलैंड मिनिमम 1 मैच हार जाए। अगर वो आयरलैंड 1 मैच हारता है और साउथ अफ्रीका नेक्स्ट मैच अपने नीदरलैंड को हरा देता है तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में पहुंच जाएगा और जो बची हुई टीम है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, 2 टीमें जो है वो पहुंच जाएंगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। तो ये अब देखने वाली बात रहेगी, कंफर्म टीम्स की बात ये तो हो गई। अब जरा क्वेश्चंस यहां पे कर लेते हैं, 2027 वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स होंगी, एंड इसका आंसर ऑलरेडी लगभग हर बार दे चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, 14 टीमें का वर्ल्ड कप है ये और बहुत बेहतर है, आईसीसी की तरफ से भी कुछ बढ़ाया गया है, इससे अच्छा किया है, यहां पर एक्स्ट्रा यहां 2 एसोसिएट के लिए भी यहां जगह जरूर बनी है, अगर इन केस की अगर हां कुछ और उलटफेर हो जाए तो कुछ और एसोसिएट टीम हमें दिख सकती है यहां पर, वो अलग बात है, लेकिन अगर अभी आप प्रेजेंट सिनेरियो को देखेंगे तो 12 फुल मेंबर और 2 एसोसिएट, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कुछ एसोसिएट टीमें और बेहतर करें तो और अच्छा होगा, लेकिन 14 टीमों का वर्ल्ड कप होने वाला है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर एक और किसी ने पूछा कि सिर्फ 14 टीमों का वर्ल्ड कप होगा 2027 में, तो फिर वहां पर एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे, जी हां 14 ही टीमों का वर्ल्ड कप होगा अभी के लिए, और आप कितना लेंगे, चलिए कम से कम बड़ा तो सही 10 से 14 हुआ, वरना सोचिए 10 हो रहा है अभी, तो अभी भी 14 देखने के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, पता नहीं हम और आप रहे ना रहे, भरोसा नहीं है, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि 100 साल पुराना क्रिकेट हो गया, इतना लंबा पुराना क्रिकेट हो गया है, 100 साल से क्रिकेट हो गया और आज तक सिर्फ 14 ही ओडीआई टीम है, ये सोचकर जरूर चिंता होती है कि आईसीसी ने आखिर क्या काम किया कि इतने लंबे वक्त से सिर्फ 14 ही ओडीआई की टीम अभी तक वर्ल्ड कप खेल रही है, कम से कम डेफिनेटली बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज की डेट में 14 ही ठीक है क्योंकि टीम से 20 है, अब 20 ओडीआई टीम ही है यहाँ पर, तो उसमें 14 फिर भी ठीक है, अगर 30-35 होती और 14 टीम होती तो कहीं ना कहीं आप कह सकते थे कि काफी ज्यादा कम है। उसके बाद जी हाँ लास्ट क्वेश्चन एक यहाँ पर और पिक कर लिया जाए कि ओडीआई सुपर लीग जो है वो स्क्रैप क्यों हुआ था,
इसका आंसर हमने ऑलरेडी कमेंट में दिया था, लेकिन एक बार आपको और समझा दें, आईसीसी ने अपनी तरफ से बयान दिया था कि जो वो है जो ये रीजंस मेनली दिए थे कि हम और टाइम निकालना चाहते हैं, क्योंकि जो टी ट्वेंटी लीग ज़्यादा ज़्यादा बढ़ गई है, लगभग हर देश जो है वो टी ट्वेंटी लीग कराने में लगा है, तो उस वजह से आईसीसी इवेंट्स को या फिर आईसीसी को अपने जो मैचेस हैं या फिर टूर्नामेंट्स हैं वो कराने के लिए टाइमिंग्स निकालना बहुत मुश्किल पड़ जा रहा है, और ये सारा रीज़न ही उन्होंने सुपर लीग स्क्रैप किया। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा रीज़न है जो पर्दे के पीछे, सामने तो आकर कोई नहीं बोलेगा कि मैं चोर हूँ या फिर मैं धोखेबाज हूँ, तो पीठ पीछे वाली बात आप जरूर समझाइए। नहीं जरूर, देखिए एक फुल मेंबर्स को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें मजा नहीं आता, उन्हें कोई खेलने का उन्हें मन नहीं है, उल्टा उनका जो है शायद उन्हें इस मैचों से उनके लीग्स के मैचेस काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये बहुत ज्यादा है कि बड़े बड़े देशों के अपने अपने लीग है, चाहे साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, सबके बांग्लादेश, सबके अपने अपने लीग्स है, तो यहाँ पर जब वो एसोसिएट से खेलते हैं तो उस टाइम को वो खराब समझते हैं, वो वेस्ट समझते हैं, तो उससे बेहतर होगा कि अगर वो उस टाइम को लीग में ज्वाइन कर दे, अगर तीन मैचों की सीरीज है तो छह दिन मान के चलिए, वो छह दिन अगर वो लीग में जोड़ देंगे तो उससे उन्हें बहुत पैसा मिलेगा। बिल्कुल, और स्टेडियम में एसोसिएट के खिलाफ वो एम्प्टी रहते हैं, आधे रहते हैं, कि स्टेडियम लोग देखना नहीं चाहते फुल मेंबर, क्या भाई एसोसिएट टीम है, अब जाना यार, क्या पकाओ मैचेस, बस हाँ फैंटेसी में सट्टा लगा लेंगे हम, खूब अपने सात प्लेयर चार प्लेयर बस पैसा कमा लेंगे फैंटेसी से, मैच कौन देखेगा, भाड़ में जाए, इतनी छोटी टीम का मैच कोई देखता है क्या, ये एग्जैक्टली सोच है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, जैसा आपने कहा मैंने चोरी की है तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं चोर, मैं कभी नहीं बोलूंगा, हाँ साबित हो जाए, सामने वाला साबित कर दे, तब मैं मान लूंगा कि हाँ भैया मैं चोर था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा, छोटे सा एग्जांपल मैं आपको सामने रखता हूँ, मान लीजिए एक एक किसी क्रिकेट बोर्ड को कोई टी ट्वेंटी लीग करानी है, उन्होंने सोचा कि चलो जुलाई में यहाँ पर टी ट्वेंटी लीग हम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक करते हैं कि हम 20 दिन के टी ट्वेंटी लीग कर लेते हैं, तो वो देखेंगे टी ट्वेंटी लीग करते डेट्स देखें, अरे यार यहाँ पे 1 से 20 जुलाई तक हमें टी ट्वेंटी लीग करना था, लेकिन यहाँ पर 7 जुलाई से दिखा रहे हैं कि हमें 3 मैच खेलने हैं किसी एशियन टीम के खिलाफ, एशियन टीम के 3 मैच खेलने, अबे यार यहाँ से अर्निंग तो कुछ होनी नहीं है, प्रॉफिट नहीं होना, क्या ये गर्दन पे लटका दिया है, एक जगह आईसीसी से बात बात करते हैं, बोर्ड दूसरे बड़े बोर्डों से बात करते हैं, इसे खत्म कराते हैं, क्या बोर्ड से बात करनी है, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इसे हटाते हैं, ये एग्जैक्टली सोच रही है कुछ टॉप क्रिकेट बोर्ड्स की पूरी ओडीआई सुपर लीग के बीच में, उनके लिए सरदर्द या गले में फांसी का फंदा टाइप ज्यादा लग रहा था, ये बहुत हकीकत बात हमने आपके सामने कहा ना, वो बाहर आकर लेक्चर में एक बड़े से रिपोर्ट में बहुत कुछ लोग बोलेंगे, उस चीजों को सच मत मानिए, पर के पीछे ये सब चीजें होती हैं जो आपके सामने कह रहे हैं, और मैं जानता हूं जो हमें सुनते हैं वो बहुत समझदार है, वो इस चीज को समझते हैं और बहुत समझदार है, इसमें कोई शक नहीं है, जो हमें सुन रहे हैं वो बहुत समझदार है और समझते हैं इस बात को जो हम यहां पर कह रहे हैं। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है डेली क्रिकेट को जो सब्सक्राइब करते हैं, डेली क्रिकेट के जो व्यूअर्स हैं वो चकाचौंध को तो इतना पसंद करते नहीं, क्योंकि हमारे चैनल में चकाचौंध आपको मिलेगी नहीं, ग्लैमर चकाचौंध तड़का ये वो जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल नहीं, जो हाथ फैक्ट है वो आपके सामने रखते हैं, एशियन क्रिकेट के सामने वजन करते हैं, पूरी दुनिया आईपीएल में इस वक्त डूबी हुई है, लेकिन सिर्फ डेली क्रिकेट चैनल है जो आपके सामने लगातार एसोसिएट्स की बात करेगा, उनके क्रिकेट के लगातार आपको अपडेट दे रहा है सारी चीजें, क्योंकि डेडिकेशन ये नहीं होता कि आपने जब कहीं कुछ नहीं हो रहा तो एसोसिएट का डाला डाल दिया कर दिया, और जब कुछ और शुरू हुआ 2 महीने या 3 महीने के लिए किसी भी महामेले में आप घुस गए, चाहे वो आईपीएल हो, पीएसएल हो, बिग बैश हो, कुछ भी हो, अगर आप डेडिकेटेड किसी के लिए हैं तो पूरी तरह से 12 महीने 24 घंटे 365 दिन डेडिकेट आपको रहना है, तो ये फैक्ट हो जाता है, तो आप समझ गए होंगे ओडीआई सुपर लीग क्यों स्क्रैप किया जा रहा है। और एक चीज और न्यूज में आई, आपके सामने आई होगी कि एक कोई टूर्नामेंट लाने वाले हैं जहां पर एशियट टॉप 4 एशियट टीमें होंगी और टॉप 4 जो बॉटम 4 जो है वो फुल मेंबर्स होंगे, टॉप 8 के बाद वाली, आपने सोचा कभी बॉटम 4 ही क्यों, फुल मेंबर्स क्यों, टॉप की 4 फुल मेंबर्स क्यों नहीं, तो समझिए आपकी ये चक्कर क्या है, समझिए कि आपको कुछ परोस भी रहे हैं, लेकिन वो परोस भी रहे सिर्फ दिखाने के लिए, भैया रख लो आपके लिए, जैसे बचपन में रोते थे तो झुंझुना पकड़ देते थे ना, वो झुंझुना ही समझिए, तो यही सबसे बड़ी फैक्ट है, ये बहुत हार्श फैक्ट है, 10 में से 100 में से 99 लोग ये से मानेंगे नहीं, और सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबे छोटे अलग अलग रीजंस देंगे, वो रीजंस पे यकीन मत कीजिएगा, असली रीजन वो नहीं है। खैर लास्ट चीज की बात कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट करते हैं। एक ने पूछा कि मेरे ख्याल से फेसबुक ने ये पूछा था उन्होंने कि 250 के करीब अगर नेपाल स्कोर करने में कामयाब रहा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, अगर हम किस तरह से बेहतर खेले और 250 तक पहुंचने में हम कामयाब रहे तो हम प्रेशर बना सकते हैं बाय एज अ बॉलिंग दूसरी टीमों के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। देखिए सबसे बड़ी सिंपल ये बात है कि अवे में अभी बहुत काम करना है, इतना क्लियर है। देखिए होम में नेपाल ने काफी बेहतर किया, अभी में मैं अभी भी कहेगा बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, 250 रन मारना इतना आसान नहीं है, क्या वर्ल्ड कप क्वालिफायर पे गए आपने 250 रन मार दिए। अब आप देखिए जब टीम यूएई गई उन्होंने कितना स्ट्रगल किया,
पीएनजी के खिलाफ 73 पे 7 आप हो गए यूए। अब आप देखिए पीएनजी के खिलाफ आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप नीट 100% रिकॉर्ड था, वो आपने कायम रखा, पीएनजी का लगातार जीतते रहे। और हमने आपसे तब भी कहा था कि यूए ज्यादा खराब खेला है, इसीलिए पीएनजी उसमें ज्यादा चढ़ के बैठा था। यूए बेहतर खेला होता तो यहाँ पर पीएनजी एक भी मैच शायद उस राउंड में जीतता नहीं, लेकिन आप जब यूए से खेले आप एक मैच हार गए और आप एक मैच जीत गए। वहां पर रेशियो क्या रहा 50-50%, वहां पर शायद आप एक मैच में 207 चेज नहीं कर पाए थे। मुझे याद है रोहन मुस्तफा ने हाफ सेंचुरी मारी थी, 207 भी चेज नहीं हुए थे। और पीएनजी के खिलाफ आपको कुछ 200 कुछ बनाने थे शायद, तो वहां पर 73 रन पर 7 विकेट टीम के हो गए थे। वहां पर बड़ी मुश्किल से टीम जीती जब आसिफ ने और संदीप रामचंद्रन ने उस मैच को जिताया था। आप देख रहे हैं क्या ऐसे हालात नेपाल में हुए, बिल्कुल नहीं। नेपाल में 310 बने और टीम रॉकेट की स्पीड में चेज करते हुए जा रही है। तो आप समझ सकते होंगे कि यूएई में परफॉर्मेंस कैसा रहा नेपाल का और उसका नेपाल में कैसा रहा, ये क्लियर दिखा रहा है कि नवे में बहुत काम करना बाकी है। हाँ, मैं वो महीना आयान जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नेपाल बेहतर करे, क्या कहेंगे? नहीं जरूर, अगर देखिए वो तो अभी अवे टूर्स नहीं, जरूर इस पर बात जरूर करेंगे, आगे करेंगे, बेहतरीन तरीके से बात करेंगे, डिटेल्स लेकर बात करेंगे सामने। लेकिन कहना होगा कि इसके लिए तैयारी भी हार्ड चाहिए, ये नहीं है नामुमकिन नहीं है जी, हाँ ये समझ लीजिए कोई काम नामुमकिन नहीं है इस दुनिया में। इंसान अगर आप पैदा हुए हैं तो हर चीज़ कर सकते हैं इस दुनिया में, खुदा ने सबसे बड़ा तोहफा इंसान बनाकर ही इंसान को दिया है जी। हाँ, लेकिन तो जरूर है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और जरूर इस पर बहुत जल्दी है, अभी बहुत जल्दबाजी है कि अगर अभी इस पर बात करें, इस पर बात नहीं करें, पर जरूर है आगे चलकर बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। और मैं किस तरीके से यूटिलाइज करना है, करना ही पड़ेगा कैसे नेपाल को, वो हम उस पर जरूर बात जी। आज का प्रीमियर का कंप्लीट हो फिर तो पूरा मई है, फिर आराम से बातचीत इस पर होगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर से रिलेटेड। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पर स्टेटमेंट में कहेंगे कि अवे चैलेंजेस अभी बहुत ज्यादा है, अवे में काम बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरत अभी है नेपाल को। अगर आज की डेट में अगर हम देखें घर से बाहर निकलकर परफॉर्मेंस अभी भी वैसी की वैसी लगभग नजर आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, तो ये सारी चीजें थी जो काफी राउंड अप थी हमारे नजर में, तो हमने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरह से चीजें आपके सामने हम रखते हैं जो हार्श हो सकती है किसी किसी के लिए, देखिए हार्श उन्हीं के लिए होगी जो ज्यादातर झूठ की या फिर बनावटी दुनिया में जीते हैं, जो लगातार चीजें लॉजिक को समझते हैं उनके लिए हार्श कुछ भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल सब्सक्राइब करिए और बनी रहिए डेली चैनल के साथ। क्वालिफायर प्लेऑफ की इंटरेस्टिंग एनालिसिस, वीडियो, स्टार, सब कुछ आपके सामने लगातार प्रेजेंट करेंगे। एस्टेट प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च अनाउंस कर दिया है डेली क्रिकेट ने, जाकर जरूर चेक करिए। बाय।